छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर रहे। बघेल यहां कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम बघेल ने पंजाब के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकात भी की और सीएम ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक भी की गई। दिन भर के प्रोग्राम के बाद सीएम वापस छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। 26 रुपये 50 पैसा और डीजल में 25 रुपये 50 पैसे की कमी होती। अंतर्राष्ट्रीय यदि क्रूड ऑयल की कीमत आप देखेंगे, यूपीए के समय में $108 प्रति बैरल था, अब घट के वो $73 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल यूपीए सरकार के समय से कई गुना वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है उसके कारण से आम जनता के जेब से लगभग 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने वसूले। पहले कुछ हिस्से राज्यों को मिलता था, एक्साइज ड्यूटी कभी भी मिलता है, लेकिन पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने शेष लगा दिया और शेष के कारण से वो राशि केवल केंद्र सरकार भारत सरकार के पास ही रहना है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस और कमर्शियल गैस पीएनजी और सीएनजी की स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं। सबके घर में रसोई गैस है, पहले 410 रुपया था और उसके बाद मोदी जी ने सबको फ्री में गैस सिलेंडर बांटा, लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन जैसे गैस सिलेंडर सबके घरों में पहुंचा, गरीबों के घर में पहुंचा, वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900 रुपये हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के या के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.